हेलो बालक, ये कुछ फाइनल टिप्स हैं और इन फाइनल टिप्स को आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है जब आप एग्जामिनेशन में अपेयर होगे कल, राइट। सबसे पहली बात तो ये है, नंबर वन में देखो, बी स्पेसिफिक वाइल राइटिंग आंसर्स, है ना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सी एंट्री या एस एस एम की बात करें या सी आई पी सी सी आई टी एस एम की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये छह पॉइंट को निश्चित रूप से फॉलो करना है अपने एग्जामिनेशन में आंसर को लिखते वक्त। सबसे पहला, बी स्पेसिफिक वाइल राइटिंग आंसर। राइटिंग आंसर लिखते वक्त ना कुछ भी आप इधर उधर की बातें मत लिखना, जितना आपसे पूछा जा रहा है आपको उतना ही जवाब लिख के आना है। जो पूछा जाए आपको बस उसका जवाब लिख के आना है, उसके अलावा कुछ भी इधर उधर की बातें बनाने की कोशिश मत करना। स्पेसिफिक आंसर का मतलब होता है जो हमसे पूछा गया उसका जवाब हमने सीधे सीधे शब्दों में दिया, राइट। सो व्हाइल राइटिंग आंसर बी स्पेसिफिक, प्लीज कुछ भी उसमें आर एन डी करने की कोशिश मत करना वरना मार्क्स कटेंगे। नंबर टू, यूज बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करना है आप सबको आंसर लिखते वक्त, बेटर प्रेजेंटेशन होता है, इजीली आप अपने थॉट को एक्सप्रेस कर पाओगे और इजीली जो आपका कॉपी चेक करेगा वो आपके थॉट को समझ पाएगा। बुलेट पॉइंट का आपको इस्तेमाल करना है। राइट स्मॉल पैराग्राफ्स, लंबे पैराग्राफ्स मत बनाना। कहने का मतलब ये नहीं कि पूरे पेज में आपने एक ही पैराग्राफ में लिख डाला, ऐसा नहीं करना है। चार से पांच लाइन मैक्सिमम का पैराग्राफ बनाइएगा और आप देखोगे जो आपका इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंटेंट शॉर्ट कर दूं। कंटेंट शॉर्ट नहीं करना, कंटेंट तो आप जितना जानते हो उतना ही लिखोगे, बट कोशिश करिए कि आप क्या करें, इसके मल्टीपल पैराग्राफ्स में शो करेगा अगर आपका लंबा कंटेंट है तो। अगर आप लंबे पैराग्राफ्स लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन आपके लिए क्रिएट कर देगा। क्या करना है, शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखना है, फोर लाइन फाइव लाइन मैक्सिमम, उससे लंबे पैराग्राफ्स हमें नहीं लिखने, राइट। सो राइट इन स्मॉल पैराग्राफ्स। एंड फोर्थ वन, वॉच योर कंटेंट। आप क्या लिख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और समटाइम्स इट हैपेंस कि हम कुछ लिख रहे हैं और उसमें कुछ ऐसी बातों को मेंशन करते हैं जो शायद हम नहीं जानते हैं, जो शायद व्यवहारिक ज्ञान है हमारा, और हम उसे लिख डालते हैं, राइट। और वो क्या करता है, हमारे पूरे आंसर पे अफेक्ट कर देता है। सो जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको अपने कंटेंट को कंट्रोल में रखना है। कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आप एक्चुअली नहीं जानते, जो आपको पता है कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, बट थ्योरी बिल्ड करने के लिए आपने क्या किया, जबरदस्ती पॉइंट ऐड करना शुरू किया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपका कंटेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर कंटेंट। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हर एक आंसर में देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट, जो आप खुद भी जान रहे होते हैं कि हाँ ये मेरा जो है ये आप पंच है एक तरह से कहा जाए तो। इसको क्या करने का है, उसको अंडरलाइन करने का है। अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया तो बहुत आसानी से क्या हो सकता है, जो भी कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि आपने सारे आस्पेक्ट को मेंशन किया या नहीं किया, या आप कहीं मिस तो नहीं कर रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट को निश्चित रूप से अंडरलाइन करना है, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्केचेज एंड डायग्राम्स का इस्तेमाल करो। नंबर सिक्स, तो स्केचेज एंड डायग्राम का इस्तेमाल करना कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप स्केचेज एंड डायग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका मार्क्स निश्चित रूप से बूस्ट होगा। अब स्केचेज एंड डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लेंदी डायग्राम बनाने बैठ गए और जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप जब छोटे छोटे डायग्राम्स बनते हैं, जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल बनाना है तो आपने छोटा सा डायग्राम बना दिया, राइट। या आपको जैसे अपन बात करते हैं, मान लो अगर आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के को अगर हमारे को वर्क फ्लो से क्वेश्चन आया, ई कॉमर्स वर्क फ्लो को बनाना हुआ तो हमने क्या किया, एक डायग्राम बना दिया। अगर हमसे पूछा गया कि विच प्रोसेसेस शुड बी ऑटोमेटेड, तो अपन जब प्रोसेसेस को डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ प्रोसेसेस के लिए हम डायग्राम बना सकते हैं, आपके क्लास नोट्स में बने हुए हैं। या फिर आप चैलेंजेस को डील करने गए, वहाँ कहते हैं आप कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का होना एक चैलेंज है, तो वहाँ आपने किसी तरह का डायग्राम बना दिया। सो डायग्राम्स की अगर हम बात करें, तो डायग्राम्स एंड स्केचेस की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से उसको इस्तेमाल करने का है, जहाँ जहाँ आप जानते हो, जो जो आपके पास डायग्राम्स हैं उसको निश्चित रूप से मेंशन करने का है, ठीक है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी बेस्ट विशेस। आप एग्जामिनेशन में अच्छा करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से अच्छा करेंगे, और आप अपना 100% दे के आना, आप अपना बेस्ट दे के आना, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरे टाइम को यूटिलाइज करना और बिल्कुल शांत दिमाग से आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन ईजी हो या क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, आपका एटीट्यूड सेम होना चाहिए, 100% एफर्ट, आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो उससे ना ही डिप्रेस होना है, क्वेश्चन आसान है तो उससे ना ही बहुत खुश होना है। हमें क्या करना है, हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, हमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और हमें बहुत बहुत कहते हैं ना फोकस्ड होके, बहुत फोकस्ड होके अपने सारे आंसर्स को सटीक तरीके से प्रेजेंट करके आना है, राइट। अगर हम कोई बुलेट पॉइंट लिख रहे हैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, यानी कि बुलेट पॉइंट को ही एक्सप्लेनेशन में लिख के चले आए और हमने कहा जी हो गया हमारा काम खत्म, उसमें हमारा मार्क्स नहीं आएगा, राइट। इन 6 बातों का जरूरी ध्यान में रखिएगा और अच्छी तरह से एग्जाम में अपीयर होइए और बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास करें, ये मेरे विशेष हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।